राजू सर पहले फोटो कर रहे थे फिर वीडियो, तो जल्दी करो यार, मुझे मिनट जगह। हां हां चलो, ये थोड़ा बंद कर दो ना, नहीं मिला सर, बोलिए ना प्लीज सर। अंदर क्या बाबा, बोल दीजिए 2 मिनट जगह, ज्यादा नहीं लेके आऊंगा, 2 मिनट जाएगा। सर आप थोड़ा आ जाइए साथ में, डाल। You have played really well about Big Boss. So you also went in, came out. So yeah. What do you want to say about the journey? I loved it so much. It was a lovely journey. My papa's gear under, which was pushing really, and I think it's a great show and it was awesome. And now recently Rakhi Sawant आ गए फिर से, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मुझे मेरे बहुत दुख हो रहा है कि वापस Rakhi Sawant बाहर निकली है, इतनी बड़ी एंटरटेनर है, तो अब ये वेबसाइट शीज आउटसाइड पर करो। एंड आसिम सर का गाना भी आने वाला है मैम, आपका क्या कुछ स्पेशल आने वाला है? मैंने तो 20 बार सुन लिया, आप लोग सुनना। कैसा लगा गाना? बहुत बढ़िया गाना। अभी आपका सॉन्ग रोहन जी के साथ भी आ रहा है, रोहन मेहरा जी के बारे में उनका कुछ बता दीजिए। अभी खुद पोस्ट हुआ था, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, रशिया में शूट हुआ था एंड ही इज अ वेरी नाइस गाय। सो बस हमारा भी गाना साथ में ही आ रहा है, वैलेंटाइन पे एक और आ रहा है मेरा और आसिम का, और अभी आसिम का दिव्या के साथ आ रहा है। यस वेरी नाइस है। कुछ बता दीजिए ना सॉन्ग के बारे में, बता। लव सॉन्ग, इट्स वेरी नाइस सॉन्ग, और अलीबाग में शूट हुआ है एंड दिव्या इज अ वेरी नाइस गर्ल, और बस दैट्स इट। And sir, you have watched that Big Boss house very closely. So what do you think? क्या कौन game खेल रहा है? Real game planner कौन है उसका? सब सबसे अच्छा जो game खेल रहा है, मतलब जो अच्छा अनिक शंकर the best in the house, बहुत अच्छी खिलाड़ी है। Game जो खेलते हैं मतलब everyone was just chatting. I like Shamita and Karan. और मैम when you talk about तेज run, काफी ज़्यादा चर्चा होती है उनके बारे में, तो आप क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? दोनों खुश है तो हम खुश है, मतलब देर हैप्पी टुगेदर, हमें क्या मतलब। बट अजमेरम से जो कल का बोला शोनी बारी का आंटी वगैरह, मैं आंटी स्टेटमेंट, या आंटी देखती नहीं, इतनी यंग लगती है, मतलब कांच लगती है आंटी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा वो स्टेटमेंट। बट मैम माई क्वेश्चन इज फॉर यू, दो उमर रियाज की जो इवेक्शन थी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई, काफ़ी ज़्यादा 17 मिलियन ट्वीट्स है, आप क्या कहना चाहोगे उनकी इवेक्शन में? वॉट इट वॉज अ बायस डिसीजन बाय बिग बॉस? सी एट द एंड ऑफ द डे बिग बॉस जो है वो सिर्फ एक विनर का नहीं होता है, सारे कंटेस्टेंट इक्वली याद रहते हैं लोगों को, एंड आई थिंक अगर सबके लिए रूल सेम होते तो शायद हम उसको फेयर बोलते। अगर उमर इज्जत से और अच्छे लोग कमा के बाहर आए तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग एंड अच्छी बात है। और राजू सर, राखी जी कल आउट हो गई है बिग बॉस हाउस से, सर क्या आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो बहुत दुखी उस बात में, राखी सावंत कैसे निकल गए भाई, इतने बड़े एंटरटेनर देश की, मतलब मुझे तो बहुत बुरा लगा। राखी सावंत मेरे साथ बहुत मस्ती करती थी, तो आई रियली मिस राखी। सर लास्टली आप विनर किसको देखते हो टॉप 3 में? शमिता शेट्टी, करण कुंद्रा एंड रश्मि देसाई। एंड विनर सर का एक्सपीरियंस बता दीजिए। सर विनर सलमान सर का एक गाना भी आया नया, सलमान सर तो लेजेंड है, मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ, कितना अच्छा होस्ट है, मतलब बहुत प्रकट होता है। सर आप खतरों के खिलाड़ी में जाना चाहोगे अगर नेक्स्ट सीजन में? सर कुछ बोल दीजिए, कुछ तो बता दीजिए खतरों के खिलाड़ी के बारे में। नहीं कुछ बता सकता हूं, चलो थैंक यू सो मच।